हेलो एवरीवन, हम आज आए हुए हैं आरके एजुकेशनल स्कूल में और यहाँ पर क्लास 10th का SST का एग्ज़ाम चल रहा है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स बाहर आएंगे तो हम उनका रिव्यू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ। ठीक है, व्हाट्स योर नेम? मनीष सिंह। हाँ, आपका पेपर कैसे गया है? बहुत बढ़िया गया है। अच्छा गया। मतलब कितना स्कोरिंग हो सकता है? आ जाएंगे 70 प्लस। 70 प्लस, वैसे इजी था? हाँ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? नितिन सोलंकी। एंड हाउ वाज द पेपर? इजी था। कितना स्कोर कर सकते हो? 70 प्लस। 70 प्लस आ जाएंगे। टाइमिंग की कोई कमी रही है? पेपर शॉर्ट था। वैसे हो गया टाइम से पहले? यस। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज बादल कुमार। आपका पेपर कैसे गया है? मैं बहुत अच्छा पेपर गया, 70 अबव आएंगे। आ जाएंगे? बिल्कुल, पूरा परफेक्ट। परफेक्ट, ठीक। सो थैंक यू सो मच। डेविड, इधर आ। भारती वरुण। आपका पेपर कैसे गया? पेपर इजी था काफी। वैसे इजी था, अच्छा गया था पेपर। तो मतलब कितना स्कोर कर सकते हो दोनों? 60 कर सकती हूँ। 65। टाइमिंग की कोई दिक्कत रही है? नहीं, थोड़ा सा टाइम अगर होता तो पूरा पेपर हो जाता मेरा 7 मार्क्स का रह गया था। अच्छा गया। बहुत लेंदी था बट इजी था, हो गया। और मतलब टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, इजी था, हो गया। 3 आवर में तो हो गया, पूरा हो गया। व्हाट्स योर नेम? डेविड गौर। आपका पेपर कैसे गया है? पेपर सही था। इजी था। मतलब कितना स्कोरिंग कर सकते हो? 90 प्लस। एक क्वेश्चन पूछो, डेमोक्रेसी क्या? डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज वेरी बेनिफिशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड इट प्रोवाइड्स मेनी फीचर्स टू पब्लिक। हर्ष तोमर। हाउ वाज द पेपर? मैम गुड। गुड। कितना स्कोर कर सकते हो? मैम 70 प्लस। 70 प्लस आ जाएंगे? यस मैम। एनी एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर? मैम के टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा इसमें, पेपर में SST के में, और बाकी ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा गया था। थैंक यू सो मच। क्या? व्हाट्स योर नेम? प्रतीक पावड़िया। आपका पेपर कैसे गया है? पेपर बहुत अच्छा गया, पेपर बहुत आसान है ना जी। इजी था। एनी एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर? ना, वो पढ़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, सारा पेपर उसी में साफ है। टाइम की कोई कंज्यूमिंग ना? 2 घंटे में पेपर होगा। हो गया था। चलो भाई, चल। What's your name? मैम किरेश चौधरी। एंड हाउ वाज द पेपर? मैम पेपर वाज वेरी एक्साइटिंग। I did it only 2.5 hours. You want to share an experience? Yeah, if you are like 9th class student who come to class 10th, they must focus on PYQs because all the paper is basically from PYQ. Okay. And NCERTs must. Thank you so much. Thank you. What's your name? Aditya Balia. How was the paper? Very best. Very good. Very good. My paper any is very good. Experience you want to share? Yes, I want to share the experience that study is must. Study. And in SST you should study in deep. In deep. Deep is must. Okay. Thank you so much. Yeah. Harshita. And how was your paper? सही था, अच्छा था, इजी था। सेट हमारा इजी था, सेट ए। एनी एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर? नो नथिंग। नहीं, इजी था, पेपर अच्छे जा रहे हैं, बोर्ड के इजी आ रहे हैं, हमने जैसे प्रैक्टिस करी तो कवरिंग तो अच्छे गए। अच्छा, थैंक यू सो मच। वेलकम। व्हाट्स योर नेम? वृंदा। व्हाट्स योर नेम? अंतिमा शर्मा। हाउ वाज योर पेपर? नाइस। इजी था। एनी एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर? MCQ थोड़े टफ थे, बाकी सब ठीक था। एंड योर्स? कि ज़्यादातर इनसाइड ही पेपर आता है, डीपली स्टडी करो तो बेटर परफॉर्मेंस है। एंड योर्स? बस वही था, अच्छा था, बस ऑल ओवर तो अच्छा ही था, बट 21 चैप्टर का कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतना, बहुत ही लाइक 10 चैप्टर पढ़ के भी काम चल जाता। करना चाहती हो अपना टाइमिंग के बारे में या फिर डीप स्टडी या एनीथिंग एल्स? बोर्ड का पेपर देखो, बहुत मजा आया, पहली बार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि उसमें से ही ज्यादा आता है।
उसमें से ज़्यादा करो सैम्पल पेपर में से, और एनसीईआरटी बुक ज़्यादा करनी है बस। हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं करना, बस जब पेपर आए उससे पहले पढ़ लेना। रटने वाला काम मत करो, बस समझने वाला काम करो। यानी आपके अकॉर्डिंग एक ही समझना ज़्यादा ज़रूरी है, एक यानी डीप स्टडी होनी चाहिए, हाँ या नहीं? होनी चाहिए। अच्छा, आई वॉन्ट टू एक्सेस सम क्वेश्चन टू यू ऑल, ओके? टेल मी व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी एक ग्रुप होता है पीपल्स का, और इसको हम ग्रुप्स ऑफ पीपल भी कहते हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल कहते हैं। हाँ। एनीथिंग एल्स? नो मैम, नथिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।